पूरे मध्य प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं विश्व आदिवासी दिवस पर गुना में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। यहां एक और पंचायत मंत्री सिसोदिया ने आदिवासी दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोनों ही जगह पर आदिवासी समुदाय के लोगों की संख्या हजारों हो रही है। केदारनाथ में आदिवासियों को जुटाने प्रशासन की मदद ली गई। वहीं जयस के जिला अध्यक्ष रणविजय भूरिया ने मंत्री सिसोदिया पर सीधा और तगड़ा हमला बोला है। जयस के जिला अध्यक्ष ने मंत्री पर वोट बैंक की राजनीति करने की बात कही। कहीं ना कहीं एक दूसरा आयोजन भी रखा गया था, तो वो कहीं बांटने की साजिश कहीं नजर आती है। बिल्कुल, ये षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, आदिवासियों को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन जयस का जो संगठन है उसमें जो आदिवासी इतने तादाद से जुड़े हैं वो उनके मसूमों को नाकाम कर गई, क्योंकि आज सार में कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की तरह हमारे आदिवासियों को भाजपा के पंचायत मंत्री के द्वारा तोड़ने जाने की साजिश रची गई। भाजपा कभी विश्व आदिवासी दिवस नहीं बनाती। भाजपा के सांसद नाम है उनका कजल पटेल, उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि विश्व आदिवासी दिवस अंग्रेजों का त्यौहार है, वो अंग्रेजों का है। आज चुनाव को देखते हुए कई जगह पर भाजपा के लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। साथ ही साथ में क्या भाजपा को गुना जिले के आदिवासियों को वोट नहीं चाहिए? उन्होंने गुना जिले में आदिवासी विश्व दिवस की छुट्टी की घोषणा नहीं करी, बाकी उन्होंने कुछ 20 जिलों में छुट्टी की घोषणा करी है। केदारनाथ में जो मंत्री जी आदिवासी दिवस मना रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? वो बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है, और हमें लगता है बिल्कुल आज जिस तादाद में गुना जिले में जैस कार्यकर्ताओं के द्वारा जो इस तरह का ये रैली नहीं है तो महारैला आएगा, ये ऐतिहासिक रैली है क्योंकि मेरे ख्याल से हर साल ऐसी बढ़ते जाएगी। और भाजपा हमेशा जब भी देखो वोटों की राजनीति करती है आदिवासियों में, आदिवासियों का शोषण ऐसा हो रहा है ना, हर जगह देखा जा रहा है, पेशाब किया जा रहा है। मणिपुर की घटना देख लो, मणिपुर की घटना में अभी तक किसी भी ऐसे रक्षा मंत्री को स्टेटमेंट नहीं आया। जैसे मंत्री जी द्वारा जैसे केदारनाथ में कार्यक्रम किया जा रहा है, दिवस मनाया जा रहा है, वो क्या आदिवासियों को तोड़ने के लिए? बिल्कुल, ये आदिवासियों को तोड़ने की साजिश है, और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे लोगों को कई कर्मचारी ऐसे हैं कई लोगों में से दबाव बना के जैस की रैली में ना जाए, ऐसा करके कहीं ना कहीं हमें ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है, भले हम उसको साबित नहीं कर सकते। जहाँ तक जब भी देखा गया चाहे वो हमने कोई आंदोलन किया होगा, कई 20 साल का विश्व आदिवासी दिवस, अब की बात का भी होगा।